नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेंच मूवी सेडक्शन के बारे में। इस मूवी में एक आदमी अपनी पुरानी प्रेमिका से शादी कर लेता है और उस लेडी की बेटी उस पर फिदा हो जाती है। इस तरह वह आदमी माँ और बेटी दोनों के साथ फिजकल हो जाता है। फिर एक दिन जब ये सब लड़की की माँ को पता चलता है तो कहानी में क्या होता है हम आगे देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को कई दिनों बाद अपने घर आता हुआ देखते हैं, जिसका नाम मोरिस होता है। अगले दिन मोरिस अपने दोस्त अल्फ्रेडो से, वे दोनों 15 साल बाद मिले थे इसलिए वो अपने पुराने गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। अब शाम को दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां मोरिस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना से मिलता है। अब मोरिस कैटरीना की तारीफ करता है और कहता है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। कैटरीना कहती है, मैं अब शादीशुदा हूँ। अगले दिन मोरिस कैटरीना के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वे दोनों शुरू हो जाते हैं और दोनों मज़े लेने लगते हैं। अगले दिन कैटरीना की बेटी बाजीला घर पर आती है। रात को बाजीला के सोने के बाद कैटरीना मोरिस को फ़ोन करके बुलाती है और दोनों टपाटप करने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद दोनों अपनी पिछली लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। अब अगले सीन में ब्राजीला शीशे में अपने शरीर में हो रहे बदलाव को देख रही होती है। तभी ब्राजीला अपनी माँ से कहती है, तुम चाहे तो मोरिस अंकल के साथ रह सकती हो। अब अगले दिन से मोरिस उसके साथ ही रहने लगता है। जब रात को कैटरीना और मोरिस इंटीमेट होते थे तो ब्राजीला उन्हें चुपके से देखा करती थी, और रात को जब मोरिस बाथरूम जाता था तो ब्राजीला अपना दरवाज़ा खोलकर बिना कपड़ों के सो जाती थी। मोरिस अक्सर उसे चादर उड़ाता था और उसके फिगर को ध्यान से देखता था। एक दिन मोरिस घर आता है तो ब्राजीला घर पर अकेले होती है और मैगजीन पढ़ रही होती है। अब मोरिस भी उसी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी ब्राजीला अपने पैर उसके ऊपर रख देती है। अब मोरिस उसके पैरों को सराहने लगता है और उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। ब्राजीला रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वह भी मज़े ले रही थी। तभी बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है और ब्राजीला वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन कैटरीना जल्दी काम पर चली जाती है तो ब्राजीला मोरिस के साथ उसके बिस्तर पर सो जाती है। फिर धीरे धीरे मोरिस के पेट पर लेट जाती है। मोरिस की बैंड बज जाती है और ब्राजीला वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कैटरीना और मोरिस एक पार्टी में होते हैं जहाँ से बहाना बनाकर मोरिस जल्दी घर आ जाता है। ब्राजीला घर की सफाई कर रही होती है और मोरिस सोफे पर लेटकर पेपर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद ब्राजीला भी उसके साथ जाकर सोफे पर सो जाती है और पेपर पढ़ने लगती है। अब मोरिस का ध्यान उसके सेंटर पर जाता है और वह अपने हाथ से उन्हें धीरे धीरे सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद ब्राजीला जाने लगती है तो मोरिस उसे रोक लेता है और किस करता है। ब्राजीला भी अब उसे धुआंधार किस करने लगती है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब मोरिस उससे पूछता है, तुम इन सब में बहुत फास्ट हो, क्या तुमने पहले भी किसी के साथ ये सब किया है? ब्राजीला बताती है, उसने ये सब अपने एक दोस्त के साथ किया था। अब मोरिस रोज़ रात को कैटरीना के सोने के बाद ब्राजीला के पास जाकर इंटीमेट होता था। एक रात कैटरीना जाग जाती है और वो दोनों को इंटीमेट होते देख लेती है, जिसके बाद वो मोरिस को घर छोड़कर चले जाने को कहती है, पर मोरिस उसे सफाई देने की कोशिश करता है। अब कैटरीना ब्राजीला को अपने नानी के घर चले जाने को कहती है, पर ब्राजीला कहती है, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, बस मुझे नानी के घर मत भेजो। इसके बाद घर में सब उदास उदास से रहने लगते थे, तो मोरिस कुछ दिन के लिए घर छोड़कर चला जाता है और वह अपनी एक और गर्लफ्रेंड रोजनी के साथ रहने लगता है। एक दिन ब्राजीला मोरिस और रोजनी को एक साथ देख लेता है, जिसके बाद वह रोजनीना के साथ लड़ाई करने लगती है और उसे मोरिस से दूर जाने को कहती है। रोजनीना के न मानने पर वह अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है और मोरिस को वापस घर लाने को कहती है। अब कैटरीना सोचती है कि पानी सर से ऊपर चला गया है। अगली सुबह कैटरीना तैयार होकर मोरिस से मिलने जाती है। अब मोरिस उसके पास आ रहा होता है तो अपने बैग से गन निकालकर उसे गोली मार देती है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।